सुटेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप बेस्ट स्मार्टफोन की, जो कि आप 15,000 के प्राइस रेंज में ले सकते हो। लाइक अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, बेस्ट कैमरा चाहिए या बेस्ट डिजाइन चाहिए, हर एक कैटेगरीज के लिए तीन स्मार्टफोन बताऊंगा सिर्फ आपके लिए। तो अभी बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पे यार मैंने तीन स्मार्टफोन रखे हैं। तीनों स्मार्टफोन जो है ना वो रियलमी की ओर से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 8 की, रियलमी 8 5G की एंड मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 8 आई की, ठीक है। तो इन तीनों में से जो आपको पसंद आता है स्मार्टफोन भाई, आप उसकी ओर जा सकते हो। स्पेसिफिकेशन तीनों की अच्छी है, लेकिन मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। रिकमेंड मैं इसीलिए नहीं करता बिकॉज जो मैं आगे आपको स्मार्टफोन बताऊंगा ना, वो पैसा वसूल है, सबसे ज़्यादा बिके हैं एंड सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, रेटिंग भी अच्छी मिली हुई है, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिल जाते हैं एंड सभी को लाइक 4.5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंड यही है कि आप नंबर वन या नंबर टू जो मैं आपको स्मार्टफोन बताऊंगा ना, आप उसी की ओर जाना। लेकिन अगर आपको रियलमी 8 आई की ओर जाना है, रियलमी 8 की ओर जाना है या रियलमी 8 5G की ओर जाना है, तो भाई आप इन स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, अगर मैं एक एक स्पेसिफिकेशन बताना लग गया ना तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं रिकमेंड ही नहीं कर रहा तो मैं स्पेसिफिकेशन भी क्यों बताऊँ ना। तो अभी बात कर लेते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने रखा है मोटो जी 14 फ्यूजन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, मतलब आपको ऐड फ्री ये देखने को मिल जाता है। लाइक जैसे रियलमी या रेडमी के स्मार्टफोन पे ऐड आती रहती है ना, तो वो चीज़ आपको मोटो जी 14 फ्यूजन में नहीं देखने को मिलती। तो प्लस पॉइंट है यार, ऐड वगैरह का भी पंगा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ ना, तो आपको 40,499 के प्राइस रेंज में 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6.8 इंच के साथ IPS LCD देखने को मिलेगी। मुझे भी पता है इसमें आपको IPS LCD मिलती है, लेकिन ये 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो आपका डिस्प्ले इतना बुरा नहीं है, आपका डिस्प्ले अच्छा है। तो भी अगर आप मूवीज़ ज़्यादा देखते हो, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, या अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए ना, तो इसकी डिस्प्ले अच्छी है, डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है वैसे देखा जाए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेम खेलनी है, पबजी वगैरह खेलना चाहते हो या कोई भी गेमिंग करनी है, करवा देगा, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं इस स्मार्टफोन के ना प्लस पॉइंट की बात करूँ, प्लस पॉइंट इसका कैमरा है, ठीक है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल के साथ मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल के साथ अल्ट्रा वाइड मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल के साथ आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, 30 FPS पर आप कर सकते हो, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। 6000mAh की बैटरी मिल जाएगी। तो भी अगर आपने ज़्यादा शूट कर रहे हैं, ज़्यादा फोटोज लेनी है, ज़्यादा वीडियोस लेनी है, अगर आपने ज़्यादा गेमिंग करनी है, तो बैटरी भी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। 6000mAh की बैटरी तो आपके 2 दिन तो नॉर्मली निकल जाएंगे अगर आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 20W के साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। वैसे ये 2 कलर्स में देखने को मिलता है, जो कलर आपको सही लगता है भाई, आप उस कलर की ओर जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया मोटो जी 14 फ्यूजन को। अभी बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, अगर आपको लाइक कैमरा बेस्ट चाहिए, लाइक इसके सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, इसके बैक कैमरे में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ज़्यादातर स्मार्टफोन में इतने प्राइस रेंज में फ्रंट सेल्फी में ना आपको 4K ऑप्शन किसी लाइक स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलता, लेकिन मोटो जी 14 फ्यूजन में मिल जाता है यार। तो अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए ना, तो आप इसी स्मार्टफोन की ओर जाना, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। जो बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, मतलब अगर आपने चेकआउट करना, फोटोज देखनी है, स्पेसिफिकेशन पढ़ना है, कलर वगैरह देखना चाहते हो, तो आप देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आगे बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन की बात करते हैं, लेकिन नंबर वन की बात करने से पहले यार, अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सपोर्ट वगैरह कर दो यार, शेयर वगैरह अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को कर दो एंड मैं व्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, अगर आपने मेरा व्लॉगिंग चैनल नहीं देखा उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो अभी बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन पर यार मैंने रखा है रियलमी की ओर से स्मार्टफोन। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी नार्जो 30 प्रो। अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको लाइक 15,000 से थोड़ा सा अपर मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल जाते हो, 1000 एक्स्ट्रा पे कर देते हो, तो आपको 16,500 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप कार्ड से शॉपिंग करते हो ना, तो आपको 1000 का लेस मिल जाता है, तो आपको 15,000 के प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन मिल जाता है, ठीक है। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बाइंग लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की।
आपको 6.5 इंच के साथ IPS LCD इसमें भी देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेशर के साथ आती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। अगर मैं चिपसेट की बात करूँ, इसमें आपको MediaTek की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2021 में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। MediaTek Dimensity 800U देखने को मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए ना, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है, तो आपको कमी नहीं होगी। मतलब अगर आपने हाई सेटिंग पे पबजी खेलनी है ना, तो खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फ़ोन के अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो उसका मैं कह नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद 2 विंड में ये स्मार्टफोन मिलता है, लेकिन अपने प्राइस रेंज में 6GB RAM सेट बैठेगा। वैसे ये 6GB RAM एंड 8GB RAM के साथ देखने को मिलता है। कैमरे की बात करूँ, इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 48 MP वाइड कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP आपको मैक्रो मिल जाता है, 4K ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। सेल्फी की बात करूँ, सेल्फी में आपको 60 MP की सेल्फी मिल जाती है, लेकिन आपको फ्रंट में ना 4K ऑप्शन नहीं मिलता, एंड इसकी फ्रंट सेल्फी भी एवरेज है, इतनी तगड़ी नहीं है, ठीक है, एज कंपैरिजन किया जाए मोटो जी फॉरन फ्यूजन के साथ, ठीक है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 30W की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, 50% चार्ज कर देगी आपके स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। 2 कलर्स में ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में एंड सिल्वर कलर में। दोनों कलर ना Realme Narzo 30 Pro 5G गुना बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं यार। तो भाई अगर आपने अभी तक इस स्मार्टफोन को चेक आउट नहीं किया था ना, तो आप एक बार चेक आउट ज़रूर करना, आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो यार अभी मैंने आपको 2 स्मार्टफोन रिकमेंड कर दिए, कैमरे के लिए रिकमेंड किया मोटो जी फॉर्टन फ्यूजन, आपके लिए बेस्ट हो सकता है, एंड अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, Realme की ओर जाना चाहते हो, Realme लवर हो, तो आपके लिए Realme Narzo 30 Pro बेस्ट डील हो सकता है, ठीक है। किसी और की ओर जाने की जरूरत नहीं है, पैसा वसूला सबसे ज़्यादा यही स्मार्टफोन बिक रहे हैं 15,000 के प्राइस रेंज में, ठीक है। तो भाई अगर आपने बाय करना है, लिंक मैंने दे दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।